यूक्रेन को दी गई पैट्रियट सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम रूसी S-300 मिसाइलों को रोक सकती है। एक हाई रैंकिंग वाले यूक्रेनी अधिकारी का मानना है कि ऐसा करना प्रैक्टिकल नहीं होगा और इसके बजाय जमीन पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को टारगेट करने की सिफारिश की गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दरअसल यूक्रेन के आर्म फोर्सेस के एयरफोर्स के स्पोक पर्सन यूरी इनाट ने बताया कि पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की एक यूनिट सफलतापूर्वक यूक्रेन में तैनात की गई थी और जो बची हुई डिवीजन थी जल्द ही आने की उम्मीद है। 24/7 चलने वाले जॉइंट नेशनल न्यूज़कास्ट के दौरान यूक्रेन के स्पोक पर्सन की वायुसेना ने यूक्रेन में पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की तैनाती के बारे में ऑन एयर अनाउंसमेंट भी किया था। यूरी इनाट ने कहा कि एक डिवीजन को पहले ही तैनात किया जा चुका है और कुछ दिन पहले ऑपरेशन शुरू किया गया है। बचे हुए डिवीजन फ्यूचर में अपने दिए गए स्थानों पर जाएंगे। स्पोक पर्सन ने कहा कि तैनाती से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, खासकर रूसी विमानों का मुकाबला करने में। दरअसल 22 अप्रैल को खारकीव को टारगेट करने वाली S-300 मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट सिस्टम की क्षमता के बारे में पूछे जाने पर यूरी ने कहा कि पैट्रियट सिस्टम इन मिसाइलों को मार गिरा सकती है। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि रूसी सेना के पास कई S-300 मिसाइलें हैं। और फिर बाद में यूरी इनाट ने कहा कि पैट्रियट का इस्तेमाल करके S-300 मिसाइलों को मार गिराने की चुनौती लागत नहीं बल्कि रूसी सेना के पास मौजूद मिसाइलों की संख्या है। दरअसल कुछ महीने पहले उनके अर्सेनल में 6,000 से 7,000 S-300 मिसाइलें थीं। हालांकि यूरी इनाट ने सुझाव भी दिया कि इन मिसाइलों को जमीन पर ख़त्म करना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। दरअसल अगर देखा जाए तो पैट्रियट मिसाइल के साथ S-300 मिसाइल को मार गिराने का प्रयास करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि S-300 मिसाइलों का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण टारगेट्स पर हमला करने के लिए कभी नहीं किया जाता। हालांकि यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने उस स्ट्रेटेजी के बारे में चिंता जताई है जिसका उपयोग रूस यूक्रेन में S-300 मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए करेगा। और दूसरी तरफ यूरी ने कहा कि रूसी सेना शाहिद ड्रोन की तैनाती के जैसे ही S-300 मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकती है, जिसका मेन उद्देश्य लगातार लॉन्च के माध्यम से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करना और समाप्त करना है। साथ ही इसके अलावा इनाट ने कहा कि यूक्रेन ने दुश्मन के इक्विपमेंट्स, यूनिट्स और क्रूज मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सीमा 600 मील तक है और यह लंबी दूरी की प्लास्टिक मिसाइलों और विमानों को एक महत्वपूर्ण दूरी से प्रभावी ढंग से रोक सकती है और साथ ही उसको नष्ट भी कर सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।